के सूबाई वजीर तालीम ने 19 अप्रैल से 13 अजला की 4 क्लासेस खोलने का ऐलान कर दिया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस खोलने का ऐलान किया गया है। मुराद रास का कहना है कि पीर और जुमेरात को स्कूल्स खोले जाएंगे। इसकी तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, बताइए तफसीलात। बिल्कुल डॉक्टर मुराद रास ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस खोलने के बारे में ट्वीट किया है। 19 अप्रैल को चारों क्लासेस के लिए सोमवार और जुमेरात को स्कूल खोले जाएंगे। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने अपने ट्वीट में कहा है कि सरकारी व प्राइवेट सेक्टर 19 अप्रैल से स्कूल खोलने के मुजाज होंगे। जिन अजला में सोमवार व जुमेरात को स्कूल खोले जाएंगे, इनमें लाहौर समेत रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखपुरा, गुजरांवाला, गुजरात भी शामिल हैं। इसी तरह सियालकोट, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, सरगोधा, भावलपुर, रहीमगरखा और डीजीगंज शामिल है। हफ्ता में 2 दिन जो है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की क्लासेस होगी और बकायदा इसका आगाज 19 अप्रैल से करने का ऐलान कर दिया गया है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या तलबा की पूरी तादाद यानी पूरी क्लास आएगी स्कूल में, या फिर जिस तरीके से पहले SOPs वजह किए गए थे कि आधे तलबा और तालिबात आएंगे क्लासेस लेने? नहीं, मौजूदा सूरत हाल में तो यही है कि 50% जो स्टूडेंट हैं वो शिरकत करेंगे और अगली दफ़ा फिर भी 50% जो तलबा हैं वो शिरकत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब के अंदर खासकर लाहौर के अंदर जो क्लासेस हैं 9वीं 10वीं की जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके अंदर पहले ही जगह बहुत कम है, क्योंकि स्कूलों के लिए कमरों की अशद ज़रूरत थी। और अगर देखा जाए फुल क्लासेस किए जाएँ तो फिर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा और बुरी तरह जो है SOPs नज़र अंदाज होंगे और इस तरह कोरोना के फैलने का मजीद खर्चा है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन आगाह करने के लिए।